और मैं कामिया आपका स्वागत करते हैं। आपके टिप्स, सजेशंस और टिफिन रेसिपीज के आइडियाज हमें लगातार मिल रहे हैं, उनके लिए शुक्रिया। आपका प्यार देखकर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा वर्सेटाइल बन सके। अरे कामिया, वर्सेटाइल से याद आया, टाइल्स। अनु, कहीं तुम अलग किस्म की टाइल्स के बारे में तो नहीं बात करने वाली? तुमने बिल्कुल ठीक कहा कामिया, हमें उसी की बात कर रही थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि टाइल्स कितनी वर्सेटाइल होती हैं। और बच्चों के टिफिन के लिए बनाएंगे ब्रेड पोहा। ब्रेड का पोहा? अरे नाम तो बड़ा मजेदार है, आई एम श्योर खाने में काफी यम होगा। अच्छा ये बताना, देखने में कैसा है? अनु और खाने की बात, माय गॉड। ओफो कामिया, इसके बाद हम बात करेंगे गिफ्ट रैपिंग की, और वो भी बोरी और अखबार से। बोरी और अखबार से? बिल्कुल। अच्छा अनु, अगर तुम मुझे बताओगी गिफ्ट रैपिंग के बारे में तो मैं तुम्हें दूंगी कुछ फर्नीचर टिप्स। घर को सजाना है तो क्रिएटिव तो होना ही पड़ेगा। ये तो है, लेकिन अनु तुम टाइल्स के बारे में क्या कह रही थी? अरे हाँ, लोग सोचते हैं कि टाइल्स का काम सिर्फ बाथरूम और किचन की दीवारों पर ही है, लेकिन ऐसा नहीं। अनु तुम बातें बाद में करना, ये बताओ घरों को टाइल्स के साथ कैसे सजाया जा सकता है? तो आइए देखते हैं टाइल्स, व्हिच हैव बिकम अ पीस ऑफ आर्ट टुडे। टाइल्स को मिल गया एक नया लुक, जितने रंग बिरंग डिजाइन उतने ही अलग अलग साइजेस, और टाइल्स में इतनी वैरायटी है कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। टाइल्स का इस्तेमाल कीजिए फर्श पर, घर की दीवारों पर, और इतना ही नहीं इनको लगाइए फर्नीचर पर भी। टाइल्स, क्या टाइल्स के नाम से आपको अपने बाथरूम में लगी वो व्हाइट स्क्वायर्स की याद आती है? अगर ऐसी बात है तो अपने मन से एक ख्याल निकाल दीजिए। आज हम आपको दिखाएंगे टाइल्स की एक नई दुनिया। टाइल्स के जितने अनगिनत रंग, साइजेस, शेप्स और टेक्सचर्स हैं, उतने ही अनगिनत यूजेस। आज हमारे साथ है रसील गुजराल, जो एक बहुत ही मशहूर इंटीरियर डिजाइनर है, और एस्थेटिक्स का अंदाजा जैसे इनको है शायद बहुत कम डिजाइनर्स को हो। रसील, टाइल्स आजकल काफी पॉपुलर मीडियम बन गई है, आप हमें बताएंगे कि उनको घर में कैसे यूज किया जा सकता है? तो टाइल्स को घर में बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है, किचन में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरिंग पे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बाहर बरामदे में हो या घर के अंदर हो, सीढ़ियों में, सीढ़ी की दीवारों पे। तो मतलब टाइल्स के कई इस्तेमाल हैं। तो आप इसको पत्थर से बेहतर समझती हैं? ये भी मतलब जो आप लुक चाह रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मतलब क्योंकि कई रंग हैं जो पत्थर में मिलते नहीं हैं, पत्थर महंगा है, लगाने में ज़्यादा दिक्कत है, मेंटेनेंस उसमें ज़्यादा है, तो टाइल में जो वर्सिटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस घर को ही देखिए, ये है तो एक छोटा सा अपार्टमेंट, लेकिन इसे सुंदर और स्पेशियस बनाया गया है टाइल्स के इस्तेमाल से। वाकई टाइल्स लगाने से तो इस घर का नक्शा ही बदल गया। टाइल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये डेकोरेटिव होने के साथ साथ फंक्शनल भी हैं। इन्हें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम के फर्श से लेके टेबल टॉप्स तक। आज हम नेहा से पूछेंगे कि उन्होंने अपने घर में टाइल्स क्यों यूज़ की। नेहा, पहले जब हमने इस घर में शिफ्ट हुए थे तो बजट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो बजट कम होने की वजह से हमने कई सारे मटीरियल्स देख लिए, तो सबसे सस्ती जो ऑप्शन हमारे सामने आई वो ये थी कि टाइल्स यूज़ करें, तो इसीलिए हमने टाइल्स सिलेक्ट की। अच्छा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो हमारा घर में रहते हुए हमको फर्श चेंज करना था, तो जब घर में रहते हुए फर्श चेंज करना है तो टाइल्स जो थी वो जो एग्जिस्टिंग फर्श था उसके ऊपर हम चिपका सकते थे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो टाइल्स लगी हुई हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्श के ऊपर लगी हैं? जी हाँ। नेहा, आपको इनके अलावा और कौन कौन से फायदे नजर आए? ये जो टाइल्स होती है ये इको फ्रेंडली होती है। टाइल्स जो होती है ये मिट्टी की बनी हुई होती है, जिसके वजह से ये गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होती है, सर्दियों में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। ओह अच्छा। हाँ, पता है ना, टाइल्स की एक और बात है, टाइल्स जो है वो मेरे लिए तो बहुत सस्ती रही है। ये जैसे ये पूरा का पूरा कमरा जो है वो मैंने शायद मुश्किल से 5,000 में बनाया होगा। दैट्स इट? हाँ, और जैसे मतलब और हमारे लिए बजट तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था, तो वो जो हमने 5,000 में बनाया उसके बाद जो भी बची कुची टाइल्स थी वो भी इस पे लगा दी। अच्छा, तो ये आपने टेबल अपनी टाइल्स से बनाई है? टाइल्स की टेबल्स सस्ती और टिकाऊ, 1 फुट बाय 1 फुट टाइल से बनी है ये टेबल, और इसे देखिए, आम मटके पर रख दिया एक टाइल और बन गया खूबसूरत साइड टेबल। आजकल टाइल्स डेकोरेटिव हो गए हैं और तरह तरह के टेक्सचर्स एंड फिनिशेस में आती हैं, राइट फ्रॉम द मैट लुक टू द ग्लेज्ड फिनिश। आजकल टाइल्स की इतनी अलग अलग रेंज है कि ये सबकी पसंद और बजट को सूट करती है।
लेकिन मार्केट में कौन कौन सी टाइल्स मिलती हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये है प्रिंटेड वॉल टाइल्स, है ना सुंदर और बहुत महंगे भी नहीं है। इनको आप यूज कर सकते हैं अपने बाथरूम्स, किचन्स और फर्नीचर पर। और ये है पॉटरी ग्लेज टाइल्स, इनकी फिनिश थोड़ी अलग है, मैट फिनिश है, मैट मेकअप जैसे। ये टाइल्स दूसरी टाइल्स से ज्यादा टिकाऊ हैं और थोड़ी सस्ती भी, इसीलिए इनको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाथरूम, किचन, दीवारों पर, फ्लोर्स पे, फर्नीचर पे, जस्ट अबाउट एनीवेयर। क्या आप गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है? ये है बॉर्डर्स एंड इंसर्ट टाइल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे डिजाइन में आते हैं और सिंपल से सिंपल फर्श और दीवारों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे मोज़ेक कहते हैं। असलियत में ये टाइल्स के टूटे हुए टुकड़ों से बनता है। मोज़ेक जरा नाजुक होता है इसलिए इसको सिर्फ फर्नीचर या दीवारों पर ही लगाइए, फर्श पे नहीं चलेगा। और ये है तुगुरो टेराकोटा टाइल, मगर एक नई लुक के साथ, आपके घर को एक एथनिक लुक देने के लिए। अगर आपके पास रॉ टाइम फर्नीचर है तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और टाइल्स के मेंटेनेंस के बारे में कुछ बताइए। टाइल्स के मेंटेनेंस तो है ही नहीं, है ही नहीं, खास करके जो ग्लेज टाइल्स हैं, आप उनके ऊपर सिर्फ जैसे नॉर्मल पोछा या अगर दीवार पे हैं तो जैसे नॉर्मल साबुन का पानी होता है उससे सफाई कर सकते हैं। और मतलब कुछ टाइम में अगर आप थोड़ा एक पात एसिड और चार पात पानी डाल के उसकी सफाई कर दें तो जो थोड़े बहुत निशान जैसे कि धूप वगैरह में आ जाते हैं, हाँ, वो सब मिट्टी वगैरह उससे उठ सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, टाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है घर के फर्श पर, दीवारों पर, सीढ़ियों पर, बरामदे में, और इतना ही नहीं, टेबल्स और मिरर्स पर भी। इतने यूजेस के बावजूद टाइल्स के कई और भी एडवांटेजेस हैं। टाइल्स हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इनको आप अपने पुराने फर्श पर भी लगा सकते हैं। रंग, डिजाइन और साइज की चॉइस टाइल्स में बेशुमार है। टाइल्स के इस्तेमाल से आपका घर गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होता और सर्दियों में ज्यादा ठंडा भी नहीं। टाइल्स की टॉप सर्फेस नॉन पोरस होती है, इसीलिए इस पे दाग पड़ने का डर नहीं रहता। टाइल्स को मेंटेन करना बहुत ही आसान है, इनको साबुन के पानी से साफ कीजिए या कभी कभार थोड़ा सा एसिड और पानी से भी साफ कर सकते हैं। डेकोरेटिव टाइल्स के इस जमाने में अब आप इन्हें टाइल्स कहेंगे या फिर आर्ट पीसेस, ये तो आप ही तय कीजिए। बाकी अनु, ये टाइल्स तो बहुत ही खूबसूरत है, जब चाहो जहाँ चाहो इस्तेमाल कर लो। हाँ, अपने घर और बजट के हिसाब से इन टाइल्स का इस्तेमाल बहुत से तरीकों से किया जा सकता है। घर की प्लानिंग और इंटीरियर्स के बारे में अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो हमें जरूर लिखिए और साथ अपने घर की तस्वीरें भी भेजिए। और अब बच्चों की टिफिन रेसिपीज। हाँ, तुम आज कुछ ब्रेड के पोहे के बारे में बात कर रही थी ना? हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि अनु, तुम्हें भी वही रेसिपीज पसंद है जो झटपट बन जाए, लेकिन हाँ, माओं को भी सुबह सुबह बच्चों के लिए वही तैयार करना पसंद है जो उनको मजेदार लगे और जल्दी बन जाए। तो चलो, इससे पहले कि मुझे भूख लग जाए और ये मेरी जान खाने लगे, हम सीखते हैं कि ब्रेड पोहा कैसे बनता है मिसेस लीला गुप्ता से। हेलो लीला। हेलो काम्या। लीला एक वकील है और उनके दो बच्चे हैं और उनका टिफिन खुद उनको पैक करना बहुत पसंद है। लीला, ये बताइए कि ब्रेड पोहा कैसे बनाती है? ब्रेड पोहा बहुत आसान है, सुबह 5 मिनट लगता है। अगर एक रात पहले सारे इंग्रेडिएंट्स काट के रख सकते हैं, जैसे कि ब्रेड काट के रख सकते हैं डब्बा में फ्रिज के अंदर, आलू काट के रख सकते हैं, प्याज काट के रख सकते हैं, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स घर में आसान से मिलते हैं। तो ये आप हमें बना के दिखाइए ना। पहले थोड़ा सा तेल लेते हैं, ये हुआ 3 टेबल स्पून 4। जब तेल गर्म हो जाएगा तब थोड़ी सी इसमें राई डालते हैं, और राई जब चटपटाने शुरू लगता है तब थोड़ी सी उड़द की दाल और थोड़ी सी चने की दाल। अच्छा, ये दाल उबली हुई है कि कैसी दाल है? नहीं, ये कच्ची दाल है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालते हैं। और जब ब्राउन हो जाएगा
थोड़ा सा इसको भून लेना पड़ता है। भून तो इसे आप कितनी देर इस तरह हिलाते हैं? जब उड़द की दाल और चने की दाल थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तब बाकी चीज़ें डालेंगे। इसके बाद आप इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालते हैं। अच्छा, इसको मैं ज़रा और धीमी कर लूँ? हाँ। और हल्दी के बाद थोड़ी सी हरी मिर्च। अच्छा, फ्लेवर के लिए। तो इससे मिर्च नहीं लगेगी? नहीं, मिर्च नहीं लगेगी, लेकिन ये भी तो अगर थोड़े से डाल दो तो इट्स नॉट वेरी। और ये कड़ी पत्ता थोड़ी सी डालते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्याज डालते हैं। ये आप सारा तो नहीं डालेंगे? नहीं, सारा नहीं डालेंगे, लेकिन एक 3 या 4 चम्मच तो डालते हैं। हाँ। ये भी ब्राउन होना चाहिए या हल्का कच्चा? हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम आलू डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, जब प्याज थोड़ा सा लाल हो जाए तो इसमें हम थोड़े से आलू डालते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जब आलू लाल हो जाए तो ब्रेड। अगर कच्चा आलू यूज़ करें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर एक रात पहले उबाल के रखेंगे आलू तो जल्दी हो जाएगा। इससे मैं थोड़ा सा नमक भी डाल सकती हूँ ताकि आलू भी जल्दी हो जाए। अब इसमें ब्रेड डालेंगे। ये ब्रेड भी आपने एक रात पहले से काट के रखी हुई है? हाँ जी, एक रात पहले काट के रखी। अगर एक दिन पहले काटते हैं तो ये चूरा नहीं हो जाते हैं, तो ताज़ा ब्रेड चूरा बन जाता है। right. तो ये लगभग कितने ब्रेड होंगे, कितने पीसेस हैं? अबाउट हाफ। अगर ये बच्चों को ताज़ा खिलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नींबू ले के दे सकते हैं बच्चों। अच्छा, को नहीं तो ये तैयार हो गया है। अब इसमें डालें टिफिन बॉक्स में। आप मुझे दीजिए, मैं पकड़ती हूँ। ये बच्चों को बहुत पसंद है, इसमें ब्रेड है, बच्चों को सब बच्चों को ब्रेड पसंद है और आलू भी पसंद है, तो थोड़ा सा चटपटा लगता है बच्चों को। अब मैं इस पर थोड़ा सा गार्निश डालूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ताज़ा नारियल। लीला, आप अपने बच्चों को ये अक्सर देती हैं? हाँ जी, मैं देती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और कम से कम हफ्ते में एक बार तो देती हूँ। थैंक्स अ लॉट लीला, थैंक यू सो मच। तो आपके बच्चों के लिए ब्रेड पोहा मिनटों में तैयार। ब्रेड पोहा बनाने के लिए आपको चाहिए तेल 4 बड़े चम्मच, राई 1 छोटा चम्मच, उड़द दाल 1 छोटा चम्मच, चना दाल 1 छोटा चम्मच, हल्दी 2 छोटे चम्मच, हरी मिर्च 2 या 3 काट के, कड़ी पत्ता 4 या 5, बारीक कटा हुआ प्याज 4 बड़े चम्मच, उबले हुए आलू 4, ब्रेड स्लाइसेस 6, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया और नारियल गार्निशिंग के लिए। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें। अब इसमें 1 चम्मच राई डालें। राई जब फूटने लगे तो कच्ची उड़द दाल और चने की दाल थोड़ा भून लें। इसके बाद हल्दी डालिए, अब थोड़ी सी हरी मिर्च फ्लेवर के लिए, और फिर थोड़े से कड़ी पत्ते डालें। इसके बाद प्याज डालें और जरा सा लाल होने दें। अब उबले हुए आलू के टुकड़े डालें। जब आलू थोड़ा सा लाल हो जाएं तो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े डालें, हल्का सा स्टर करें, हरे धनिये और ताजे नारियल से गार्निश करें। बच्चों के टिफिन के लिए ब्रेड पोहा तैयार है। देखिए ब्रेड पोहा में आपके बच्चों के लिए कितने जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तेल में होता है एसेंशियल फैट, उड़द दाल में प्रोटीन, चना दाल में प्रोटीन, हरी मिर्च में विटामिन सी, प्याज में मिनरल्स, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स, नारियल में फैट और हरे धनिये में विटामिन सी और आयरन। कामिया, ये तो इतना आसान है कि मैं भी बना लूं। अनु, ब्रेड कितनी कमाल की चीज है, इससे कितनी सारी चीजें बन सकती है। जैसे गिफ्ट रैपिंग,
इसके भी अनेक तरीके हैं। अनु तुम क्या कह रही थी, मेरा ख्याल न्यूज़पेपर और बोरी से भी गिफ्ट रैपिंग की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं गिफ्ट रैपिंग के कुछ नए अंदाज, और ये हमें सिखाएंगी मिसेस टेरी मनचंदा। हेलो टेरी एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू अनु। टेरी एक एयर होस्टेस थी पर अब अपना बिजनेस रन करती हैं। गिफ्ट रैपिंग उनका शौक है। टेरी द स्टफ इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आपको ये कहाँ से आइडिया आते हैं और कैसे बनाती हैं? टेरी मैं देख रही हूँ कि आपने इस गिफ्ट को न्यूज़पेपर में रैप किया है। आई लव दिस वन। ये हमें बनाकर दिखाइए। आप जिसको प्रेजेंट देना चाहते हैं, जैसे आपकी सहेली हो, तो उसे मैगजीन से, फैशन मैगजीन से पेज निकाल के यूज़ कर सकती हैं, या किसी मेल मेंबर को देना चाहती हैं तो आप उसमें कोई बिजनेस डेली में से निकाल लीजिए। बच्चों को देना हो तो मैगजीन या कार्टून सेक्शन से निकलता है। अच्छा। तो हम ये आज बच्चों के लिए करेंगे। तो ये पेपर हमने लिया यहाँ पे, अब ये एक्स्ट्रा है थोड़ा, तो ये हम काटेंगे। इसके आप टेप लगा दीजिए, ये ऊपर का जहाँ कार्टून का आ रहा है ये आप ऊपर लगा दीजिए। इसको नीटली से टेप लगा के एक और चाहिए? नहीं, ये रैप हो गया। एक और मुझे पेपर चाहिए, इसे हम बो बनाएंगे। पेपर से बो बनाएंगे? जी हाँ। हाँ, इनोवेटर। और बहुत सस्ता। इसको हम फैन शेप में, जैसे फैन के लिए करते हैं, फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा इसका काट देंगे। ये तो बच्चे भी करते हैं ना स्कूल में, उन्हीं को दीजिए, वही करेंगे। अब ये ऐसा आया आपके पास। अच्छा। अब इसे थोड़ा सा ऊपर एक इंच छोड़ के ये आप ऐसा काटेंगे। अब इसी को लेके हाँ हम इसे रोल करेंगे। कैसे? ऐसे। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। ये आपका लग गया। अगर आप किसी जैसे बच्चे को दे रहे हैं तो इसके ऊपर आप एक लॉलीपॉप भी लगा सकती हैं, उस पर पेंसिल शार्पनर और रबर लगा हुआ है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ द गिफ्ट। दैट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कितना अच्छा लग रहा है ना। मार्केट से रैपिंग पेपर खरीद के तो सभी लोग गिफ्ट देते हैं, बट दिस इज सो इनोवेटिव। अपने हाथ से बना है और चीप भी है, एंड देन इट स्टैंड्स आउट। अनु, मैं आपको अब दिखाऊंगी बोरी से कैसे गिफ्ट रैप किया जाता है। एक बोरी का टुकड़ा लेंगे, हाँ, जैसे हम गिफ्ट रैप करेंगे इसमें, और बोरी तो हर घर में मिल जाती है। तो ये हम बोरी लेंगे, इसके हम सारे साइड से धागे निकाल देंगे। ये किसने करा? ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्रिंज बन जाती है। अच्छा, फ्रिंज बनाने के लिए? फ्रिंज बनाने के लिए। और इसी के बोरी के धागे से ही हम इसके गिफ्ट को उसी से हम बांधेंगे। ओह अच्छा। बॉक्स रख के इसको हम, अच्छा बॉक्स आपने टेढ़ा रखा? हाँ, टेढ़ा इसलिए क्योंकि हम इसकी क्रॉस पैकिंग करेंगे। ऐसे इसको हम पैक करके कर सकते हैं, जैसे आप ये लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो मतलब ये कि बिल्कुल महंगा नहीं है? बिल्कुल महंगा नहीं है, और आप कुछ भी इस पर लगा सकते हैं। बटन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बटन्स हैं, टैसल्स हैं, इस पर तो घंटी लगी हुई है, कुछ भी आप इस पर लगा सकते हैं। अब अनु, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि गिफ्ट रैपिंग पेपर कैसे बनाया जाता है। गिफ्ट रैपिंग पेपर, वो भी घर में? जी हाँ। अनु, आप कोई भी चार्ट पेपर लीजिए और उस पर आप गोंद लगा के आइए, आप ट्राई करिए। मैं करूँ? जी हाँ। कैसा डिज़ाइन करूँ? कोई भी डिज़ाइन जो आप बनाना आसान समझती है। ये तो आपने बहुत बड़ा बनाया है। और इस पर हम लेंगे ग्लिटर। अच्छा। ऐसे लेके और ये हम डाल देंगे। और ये ग्लिटर कहाँ से आप लेके आई? ये ग्लिटर तो हमेशा घर में रहता है, जिनके बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले हमेशा ग्लिटर मांगते हैं। तो इसको आप ऐसे करिए। ओह वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ये ग्लिटर उतार के ये देखिए। चलिए मैं इनमें से कुछ रख लूँ। आप सारे रखिए। नहीं नहीं, सारे नहीं, आई थिंक मैं ये और ये ले जाती हूँ। थैंक यू। काम है, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। कौन सा लोगी? मुझे दोनों दे दो, बहुत ही सुंदर है। चलो रख लो रख लो, खाली है, सिर्फ रैपिंग अच्छी है। कितने इनोवेटिव है अनु। तुमने मुझे इतने इंटरेस्टिंग तरीके बताए हैं गिफ्ट रैपिंग के। इट वॉज रियली नाइस।
अब मैं तुम्हें कुछ टिप्स देती हूँ फर्नीचर पे। अगर टेबल पर बच्चों ने क्रेयॉन के निशान लगा दिए हो तो उन्हें थोड़े से सिगरेट की राख से या मिट्टी के तेल से साफ करें। अगर कागज का छोटा सा पीस फर्नीचर पर चिपक जाए तो उसे खरोंचे मत, थोड़ा सा तेल कागज पे लगाएं, कुछ देर तक रहने दें और फिर धीरे से निकालें। अपने प्यार भरे सुझाव हमें हमेशा लिखते रहिए। हमारा पता है द गुड होम शो, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीओ बॉक्स नंबर 1742, जीपीओ मुंबई 400001, इंडिया टीवीसी। अगले हफ्ते तक द गुड होम शो की टीम को इजाजत दीजिए, तब तक हैप्पी लिविंग।